तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रामलला वाले ड्राइंग पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड मैंने थोड़ा डिले भी कर दिया था बीच में, क्योंकि अब बीच में कुछ काम आ गया था। तो सॉरी फॉर द डिले गाइस, लेकिन अब जो है मैं रेगुलर सीरीज़ अपलोड करूँगा एंड रामलला की जो सीरीज़ है वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही सीरीज़ आने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक्चुअली मेरे को फेस एंड हेयर कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे लग गए, तो मेरे को पूरा आर्टवर्क कंप्लीट करने में कितना घंटा लगेगा वो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। तो इस आर्टवर्क में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता हूँ मैं, लेकिन बीच बीच में मैं जो है अलग अलग आर्टवर्क भी अपलोड करूँगा, तो आप वो देख सकते हो एंड घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जल्दी से मैं टूल्स की बात कर लेता हूँ कि मैं कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ इस आर्टवर्क को कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके पहले गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप एक रियल करेक्टर को ड्रॉ नहीं कर रहे हो, यहाँ पर एक स्कल्पचर है जिसको बनाया गया है एंड उसको आप ड्रॉ कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको डार्कनेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा डार्कनेस के लिए यहाँ पे मैं आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा 0.5 mm एंड उसके साथ ही 0.3 mm की भी पेंसिल यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पर हम लोग आर्ट लाइन की 2B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं जो कि ज़्यादा डार्कनेस देता है, तो इससे हमें अच्छा डार्कनेस देखने को मिल जाएगा। एंड देन हम लोग जो है व्हाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे हाईलाइट्स के लिए, तो वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो भी ना स्किप किए देखना।